हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कुछ टाइम पहले ना मैंने इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी का अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था, जो कि था बेऊ ज़िला की डेथविश। और आप सभी को वो वीडियो बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा आप ही लोगों ने प्यार दिया था। बट बाद में फिर है ना, थोड़े टाइम बाद बेऊ ज़िला ने ना उस कॉफ़ी की ब्रांडिंग को थोड़ा चेंज कर दिया था और उसका नाम चेंज करके कर दिया था डार्कविश, बिकॉज थोड़ा डेथविश थोड़ा सा नेगेटिव टाइप टर्म आ जाता, तो शायद से इसलिए उनको रीब्रांडिंग करनी पड़ गई। तो फिर बहुत लोगों का क्वेश्चन आता था, कमेंट्स आते थे कि भाई ये दोनों कॉफ़ी सेम ही है कि थोड़ा सा माइल्ड कर दिया है बेऊ ज़िला ने, क्या किया है। तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन हो रहा था कि यार, बिकॉज वेबसाइट के ऊपर तो लिखा होता दोनों सेम है, खाली ब्रांडिंग का चेंज। बट मैंने बोला क्यों नहीं यार, एक्चुअली प्रोडक्ट वापस से मंगा के देखे कि क्वालिटी सेम है कि नहीं। और उसके साथ हमारे पास एक और नया कॉम्पिटिशन भी है जो कि आता है स्लीपी आउल के साथ, और पता करेंगे कौन सी कॉफ़ी है इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी। चलिए फटाफट अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं बेऊ ज़िला से, इसको साइड में रखता हूँ। बेऊ ज़िला की पैकेजिंग सिंपल बेऊ ज़िला की ब्रांडिंग के साथ आई है, और बेऊ ज़िला की ब्रांडिंग तो यार वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट इंडस्ट्री, आई कैन से दैट। बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है उनका नाम, मतलब, और वो जो डाइनो है उनका डीनो बहुत क्यूट लगता है। कुछ निकालो यार उसके ऐसे स्टफ टॉयज और समथिंग, लोगों को पसंद आएंगे। सो हियर इट इज, अच्छे से रैप किया हुआ है, जो हमारा बबल रैप था जो ऑलमोस्ट सबका फेवरेट था उसको थोड़ा सा चेंज किया है उन्होंने, ऑर्गेनिक वाला यूज कर रहे हैं। और डार्कविश हियर इट इज ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इधर पे खाली ब्रांडिंग चेंज हुई है, बाकी द बर्थ ऑफ गैलेक्सी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉफ़ी ये अभी भी उधर पे वैसी सेम ब्रांडिंग रखी है जो पहले रखी हुई थी। थोड़ा सा पैकेट है ना, थोड़ा सा गंदा है, मतलब डस्ट जमा हुआ है, तो दैट इज़ नॉट गुड यार। मतलब पैक करने के टाइम पे थोड़ा सा ऐसा कपड़ा वपड़ा मार देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये लोग हमेशा एक गिफ्ट भेजते हैं साथ में, तो इस बार इन्होंने ये 5 रुपये का कॉफ़ी का सैशे भेजा है। नॉर्मली ये लोग कॉफ़ी के क्यूब्स बेचते थे, बट शायद से बजट ख़त्म हो गया कि क्या। ठीक है, इसको भी रखते हैं साइड में और स्लीपी आउल को कंपेयर करते हैं। स्लीपी आउल की पैकेजिंग भी अच्छी है, अच्छी पैकेजिंग की है, इनकी भी ब्रांडिंग बहुत प्यारी है। इन्होंने थोड़ा ज़्यादा सिक्योर रखा हुआ है, मतलब ज़्यादा टेप वेप मारा हुआ है, और बॉक्स का साइज़ ओवरऑल स्लीपी आउल का ज़्यादा बड़ा है। कॉफ़ी तो ऑलमोस्ट सेम ही थी, मतलब साइज में तो सेम ही था, बट ओके। सो मैं बाय द वे फर्स्ट टाइम स्लीपी आउल को ट्राई करने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ स्कैन द QR कोड, चूज द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वन फॉर दिस फेस्टिव सीजन, स्टिल गिफ्टिंग सम ओल्ड ड्राई फ्रूट्स, मतलब वही दिवाली आने वाली है तो सुन पापड़ी की जगह पे कॉफ़ी का सेट दे दो, वो बोल रहे हैं। क्या बात है, थोड़े गेम्स वेम्स डाले, थोड़ा सा क्रिएटिविटी दिखाई इन्होंने, ठीक है, अच्छा लगता है थोड़ा सा ये टच। बाकी बाहर से पैक किया था तो अंदर नहीं पैक करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी बॉक्स देखोगे स्लीपी आउल की ब्रांडिंग है, ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे। अब देखते हैं अंदर क्या आता है। ओके, ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से रखी हुई है बॉटल को, तो यार ओ नाउ आई नो क्यों क्या रीज़न है, मतलब इतनी अच्छी पैकेजिंग का, बिकॉज ये लोग है ना कांच की बॉटल देते हैं उसमें शिप करते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इसलिए थोड़ा बड़ा कंटेनर देने की ज़रूरत पड़ी है उनको। नाइस यार, फर्स्ट इम्प्रेशन स्लीपी आउल नॉट बैड एट ऑल, मतलब यहाँ पे प्लास्टिक की बॉटल है, यहाँ पे कांच की बॉटल है। सो कुछ ऐसा लुक है दोनों का, दोनों ही बहुत एक अच्छा डार्क लुक दे रहे कॉफ़ी को, एक तरीके से देखा जाए ना दोनों की जो ब्रांडिंग है ऑलमोस्ट सेम है, डार्क है। बट जो मेरे को मेन डिफरेंस लग रहा है, एक तो ये प्लास्टिक की बॉटल है, ठीक है, और ये कांच की बॉटल है, तो थोड़ा प्रीमियमनेस ऊपर नीचे तो होगा। और ओवरऑल अगर मैं बताऊँ ना पैकेजिंग, तो आई विल गिव 8 out of 10 टू दिस एंड 9 out of 10, बिकॉज कांच की बॉटल का थोड़ा फील ही अलग रहता है।
बाद में बात करूँ दोनों की प्राइसिंग की, बात करूँ स्लीपी आउल की तो ये 100 ग्राम की बॉटल है जो कि आती है 350 रुपीज़ की, और मेरे को 350 में ही मिली बिकॉज ये न्यू लॉन्च था तो कुछ ऑफर वॉफर अवेलेबल नहीं था तो थोड़ी सी महंगी पड़ी। जबकि बेउज़िला है ना 200 ग्राम की बॉटल में हमें मिली है, वो भी अराउंड 280 रुपीज़ की मिली। इसका MRP वैसे 799 है, अच्छा खासा MRP है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सस्ता है, बट ऑफर बहुत अच्छा चल रहा है उनकी वेबसाइट में, सो यू कैन ग्रैब दैट। ये ऑलमोस्ट 100 कप बनाएगी कॉफ़ी जबकि ये 50 कप बनाएगी कॉफ़ी। अभी दोनों का अरोमा टेस्ट लेते हैं, कितना डिफरेंस है पता चलेगा। दोनों ही प्योर कॉफ़ी हैं। अभी बात करते हैं, यहाँ पे स्लीपी आउल का हमें ये सील मिल जाएगा जिससे उसकी थोड़ी महक खुशबू सेफ रहेगी, जबकि यहाँ पे सील्ड फॉर प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बेउज़िला में भी सील मिलेगा बट यहाँ पे कुछ लीक हुआ है जिसकी वजह से थोड़ा इसको ओपन करने में भी तकलीफ हो रही थी। और अभी दोनों को ओपन करते हैं। हाँ देखो ना, ये मतलब एकदम ऐसे ही ओपन हो रहा है, ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो ये थोड़ा सा बेउज़िला को ध्यान देना चाहिए। अब फ्रेगरेंस ऐसे जस्ट ओपन किया था तो आ गई थी, मतलब फ्रेगरेंस तो वैसी ही है, वो डेथ विश वाली है। अभी इसको ओपन करते हैं। ओहो नाइस, इसका थोड़ा सा कैरेमल टाइप का आ रहा है फ्रेगरेंस, जबकि ये इंटेंस जावा फ्लेवर है, एक्सप्रेसो स्ट्रॉन्ग ब्लेंड। बेउज़िला की जरा ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है फ्रेगरेंस वाइज, तो बेउज़िला स्टिल एक अच्छा पोजीशन मेंटेन करके चल रहा है। अभी एक काम करते हैं, दोनों को है ना जितना हो सकेगा मैं सेम क्वांटिटी में पानी कॉफी लेने का ट्राई करूंगा, ताकि एकदम फेयर से भी फेयर कंपैरिजन कर सकूं दोनों के बीच का, मैं कोई भी बायसनेस नहीं चाहिए इसलिए, ठीक है। सो पहले लेते हैं स्लीपी आउल को। यार ये इतनी स्ट्रॉन्ग कॉफी है ना, लेने में भी डर लगता है ज्यादा, ठीक है। ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा गैप रखा है, पूरा नहीं फिल किया है, ये छोटा सा चम्मच है क्रिएटिन वाला, ठीक है। ये गया स्लीपी आउल, अभी ज्यादा नहीं, ये भी ऑलमोस्ट सेम बेउज़िला का गया, थोड़ा डाला है, बहुत ज्यादा डाला नहीं है बिकॉज फिर ओवर हो जाता है मेरे लिए भी कैफीन इंटेक दिन भर का। और जैसे ही आप कॉफी ले लो ना, ज्यादा देर तक ओपन मत कीजिए बिकॉज उसका तो थोड़ा मॉइस्चर चला जाएगा ना, तो क्वालिटी उसकी फ्रेगरेंस पे इफेक्ट आ जाता है। सो इसलिए एक और चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पता चला मिस मैच कर दिया, तो स्लीपी आउल की स्लीपी आउल के साइड, बेउज़िला की बेउज़िला के साइड, ठीक है। अभी कलर वाइज देखा जाए तो ये डार्क रोस्ट है, जो बेउज़िला की है ना थोड़ी सी डार्क रोस्ट है कलर में, कलर वैसे उतना आपको डिफरेंस नहीं बता पाऊंगा बिकॉज हमारे पास क्लोजअप उतना नहीं है, बट ठीक है। अभी पानी डालते हैं हम, गर्म पानी 30। ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। अभी हमारा फ्रॉथर, ये स्लीपी आउल को मिक्स करते हैं। मैंने एक्चुअली कॉफी कम ली है बिकॉज शाम का टाइम हो गया है, ज्यादा कैफीन इनटेक कर लूंगा ना तो रात को नींद नहीं आएगी, तो हमने बहुत ज्यादा कॉफी नहीं डाली है, बट स्टिल आई कैन सी अच्छा खासा फ्रॉथ आ रहा है यार। ओ भाई साहब, अगर इसको घुमाते जाऊंगा तो कॉफी गायब ही हो जाएगी लग रहा है, मतलब जस्ट लुक एट द फ्रॉथ। स्लीपी आउल नॉट बैड। अभी बारी है बेउज़िला की, डोंट डिसअपॉइंट अस। बाय द वे
ना ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दोनों ही हमने हमारे पैसे से खरीदी है, ना बेवजिला वालों ने कुछ स्पॉन्सर किया ना स्लीपी ऑल ने। सो जो भी हमारा फीडबैक है वो हमारा जेन्युइन रिव्यू है, फीडबैक है, जो भी हमें फील हो रहा है वही हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी ऑलमोस्ट उतना ही लेवल का फ्रॉड दे रहा है। टिक 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 टिक, ठीक है। सो हियर इट इज, एंड आप अगर देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम है यार, फ्रॉथ वाइज देखा जाए ना। एक ये पता चल रहा है मुझे कि फ्रॉथ का कलर थोड़ा सा स्लीपी आउल का डार्क है, थोड़ा सा, बहुत माइल्ड, बट स्लीपी आउल नहीं, बेउजिला का। बट अगर ये बताओ कलर ऑफ द कॉफी, भाई गिराना नहीं तो भाई 19-20 भी नहीं है कलर डिफरेंस, मतलब सीरियसली कॉपी किया है क्या एक दूसरे को? हार्डली एनी डिफरेंस। अभी दोनों की फ्रेग्रेंस में देखते कितना डिफरेंस है। बेउजिला स्ट्रॉन्ग है, स्लीपी ऑल में थोड़ा मुझे ऐसा वैनिला कैरेमल टाइप का ऐसा थोड़ा सा हिंट आ रहा है, मतलब जबकि इसमें है नहीं कुछ, शायद से फ्लेवर जावा फ्लेवर जो है उसकी वजह से आ रहा है। चलो टेस्ट टेस्ट करके देखते हैं अभी क्या डिफरेंस है। पहले स्लीपी आउल, ओके अभी बारी है बेउजिला लगे। आई गॉट द डिफरेंस, मतलब पता चल गया, एक बिटरनेस होती है ना, मतलब कॉफी का जो कड़वाहट रहती है, जो ब्लैक कॉफी स्ट्रॉन्ग कॉफी में हमको एक्सपेक्ट करना हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो स्टिल इन द बेउजिला डार्क विश। ये थोड़ी सी माइल्ड है, मतलब डार्क कॉफी तो बताया है इनकी स्ट्रॉन्गेस्ट है, हर एक कॉफी का ब्लेंड अलग रहता है, बट आई स्टिल फील लोग कड़वी कॉफी चाहिए ना, तो बेउजिला टू गो। बट दिस इज ऑल्सो वेरी यूनिक एक्सपीरियंस, मतलब अगर मेरे को रेट करना रहे, अगर मैं इसको 8.5 रेटिंग दूंगा ना तो मैं इसको 8.2 रेटिंग दूंगा, मतलब इतना क्लोज है। थोड़ा सा कहते हैं ना पंच इसमें ज्यादा है अभी भी, मतलब स्टिल आई वुड से डार्क विश स्टिल अभी भी लीड कर रहा है मेरे हिसाब से। आप मुझे बताइएगा, आपने कोई ये लोग से भी ज्यादा डार्क स्ट्रॉन्ग कॉफी ट्राई की है क्या? अगर की है कोई इंडियन ब्रांड रहेगा तो उसको आप मुझे रेकमेंड कर सकते हो, जिसका मैं कंपैरिजन करूंगा इन दोनों कॉफी के साथ और बताऊंगा कि क्या ये अभी भी किंग है कि कोई नया कॉम्पिटिशन में आ चुका है। बाकी आपको कैसे लगा ये वीडियो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे हम बहुत सारे डे टू डे यूज की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके रिव्यू करते हैं, कोई अच्छी डील आती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ, और इन जनरल कॉफी परफ्यूम्स आई डोंट नो क्या क्या मैं रिव्यू करता हूँ, बट आई विल कीप यू पोस्टेड विद अ न्यू कॉन्टेंट एवरी वीक, और मैं ट्राई करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया यूनिक आपके साथ शेयर करते रहो। सो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज हिट दैट लाइक बटन। दिस इज अंकित साइनिंग ऑफ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।